हुकूमत और ऐवान सदर में सर्द जंग जारी। सदर मुमलिकत का नया तरमीमी बिल और इलेक्शन असलाहत में तरामीम के बिल पर दस्तखत करने से इनकार। दोनों बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए। कहा नैब कानून में तरामीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। सवाल पूछते हैं, न्यूट्रल से आपका काम सिर्फ मुल्क का दिफा करना है, न्यूट्रल रहने की बजाय इस साजिश को रोका जा सकता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का दीर में जलसे से खिताब, कहा साफ शफाफ इलेक्शन से ही इस साजिश से निकला जा सकता है। वफाकी वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं, अपनी नालायकी सियासी मुनाफिकत का चेहरा आईने में देखें, 2023 में मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत की जंग लड़नी है तो इस्लामाबाद में बैठकर लड़ो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्चे पर क्यों बैठे हो। तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने हर मुल्क को नाराज किया, इनकलाब लाने वाले आजकल जमानत पर हैं। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाप्त। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पेश। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाजत मांग ली। नून लीगी वकील की मुखालिफत, कहा केस सियासी इंजीनियरिंग से बनाए गए। अदालत ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलेमान शहबाज, ताहिर नकवी, मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी। लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद क्यों किया, लाहौर की सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। FIA ने शहबाज शरीफ हमजा की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से मुमकिन हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के आइंदा लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल के बयान के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर। पिटीशन में महमूद खान को वजीर आला के मनसब के लिए नाअहल करार देने की सदा। माजी में सियासी बुनियादों पर तरक्याती स्कीमें शामिल की गई, जारी मनसूबों की तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर गैस बॉम्ब भी दे मारा। एक ही झटके में गैस की कीमतों में 45% इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए 266 रुपये और सुई सदरन के लिए 308.53 रुपये फी MMBTU गैस महंगी कर दी गई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत आला सतह का इजलास। पंजाब काबीना के पेट्रोल अलाउंस को मुकम्मल खत्म करने का फैसला। तमाम महकमों के पेट्रोल अखराजात की तफसीलात भी तलब। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा, बचत का आगाज खुद से करेंगे। महंगाई आखिरी हदों को छूने लगी। अशिया खुरनोश, सब्जियां, फल गरीब के लिए ख्वाब बन गए। बुनियादी जरूरत की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर, शहरी परेशान। और पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत 120 जदीद बसें कराची पहुंच गईं। आजमाइशी सफर का आगाज। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम अहमद ने कहा, वादा है 2 से 3 माह बाद नई बस सर्विस मिलेगी। इंशाल्लाह 1-1.5 साल में बसेस की तादाद हजारों में होगी।